जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चरण में आप सभी का स्वागत करता हूं। विषय है वशीकरण। एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी शक्तिशाली वशीकरण मंत्र का प्रयोग आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस मंत्र का उपयोग आपको 28 बार आपको रोज पाठ करना है। एक चमत्कारी सावर सिद्ध वशीकरण मंत्र है ये। इस मंत्र का बहुत छोटा सा मंत्र है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, स्त्री हो या पुरुष, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी इस मंत्र का एकदम आसानी से हर रोज अनुष्ठान कर सकते हैं। किसी का भी कानो कान पता नहीं लगेगा। आपका कोई भी सोच हो, कोई भी असोच हो, हर अवस्था में इस मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं। आप लोग को दिन भर में समय नहीं मिलता है तो रात को बिस्तर में बैठ कर ही इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साध्य व्यक्ति का नाम इस मंत्र में लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर लगाना चाहते हैं तो पीछे इस मंत्र का पीछे साध्य व्यक्ति का नाम लगा सकते हैं। साध्य यानी जिस व्यक्ति के लिए अनुष्ठान करते हैं आप, साध्य इसी को बोला जाता है। इच्छित यानी कि इच्छा, जिस व्यक्ति को कामना कर रहा हो, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहा हो, उसको इच्छित व्यक्ति या साध्य व्यक्ति बोला जाता है। ठीक है, तो साध्य व्यक्ति का नाम पीछे लगा सकते हैं, नहीं लगाने से भी चलेगा। साध्य व्यक्ति का ध्यान दिलो दिमाग में ध्यान पूर्वक इस मंत्र का 28 बार जाप करें। आपको कुछ दिन के अंदर ही इस मंत्र का प्रभाव आप लोग को दिखने के लिए लग जाएगा। बहुत जटिल अगर परिस्थिति है तो बहुत समय लग जाएगा इस मंत्र को पकड़ करने में, लेकिन विश्वास के साथ इस मंत्र का आप लोग अनुष्ठान करते रहे। मंत्र का अनुष्ठान करने में आप लोग को एक पैसा का भी खर्च नहीं है। तो विश्वास और भक्ति के साथ गुरु को स्मरण करते हुए, विश्वास और भक्ति के साथ इस मंत्र का आप लोग अप्लाई कीजिए, आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। मैं आगे अपने वीडियो में इस मंत्र का संपूर्ण प्रोसेस आप लोगों को बता रहा हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो को स्किप करेंगे तो वीडियो में आधा आपका छूट जाएगा, बाकी आप लोगों को आधा ढूंढने के लिए नहीं। वीडियो को स्किप करेंगे तो प्रोसेस में कुछ ना कुछ आप लोगों से छूट जाएगा। इसलिए वीडियो छोटा हो है, वीडियो को पूरा देखिए, तब जाकर आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूं। उसके हिसाब से अनुष्ठान को कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इतना मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोलता हूं। विश्वास और मजबूती के साथ, आत्मविश्वास और मजबूती के साथ इस प्रयोग को अप्लाई कीजिए। ईश्वर ऊपर है। आप लोग नए संगत प्रयोग को करते हैं तो आपका विजय अनिवार्य है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन कॉल कीजिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो पोल का आंसर मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। मैं 3 हफ्ते पहले एक पोल डाला था, उसमें मैं आप लोगों से पूछा था वो एक कौन सा फूल है जो 100 कमल पुष्प के समान है। उसमें मैं जो ऑप्शन था, रक्तकरंभी था, नील अपराजित था, सफेद अपराजित था, नील कमल था, और इसमें से कोई भी नहीं। नील कमल में 71% लोग ने बताया है नील कमल है। जो इसका सही आंसर है वो है रक्तकरंभी। लाल कलर जो करंभी पुष्प है, ये फूल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। इसको देखिए ध्यान से, इसको शास्त्र में इसका जो क्षमता है वो बोला गया है 100 कमल पुष्प के बराबर एक ये करंभी पुष्प है। इसको करंभी पुष्प बांग्ला में बोला जाता है, हिंदी में शायद इसका नाम कुछ अलग हो सकता है, संस्कृत भाषा में भी इसको करंभी पुष्प बोला जाता है, इसलिए मैं इसको करंभी पुष्प के नाम से ही उल्लेख किया हो। शायद आप लोग को उधर पर कोई अलग पुष्प है। थोड़ा इसका विषय में आप लोग को जानना है तो कालिका पुराण एक बार जरूर पढ़िए, आप लोग को इसका विषय में संपूर्ण पता लग जाएगा। दूसरा जो मेरा पोल था, उस पोल में मैं आप लोगों को बताया था हर देव देवी का वाहन होता है, तो दक्षिणा काली का वाहन कौन है। उसमें जो मेरा ऑप्शन था सियाल, महाकाल भैरव, शब शिव, भूत प्रेत, और इसमें से कोई भी नहीं। भूत प्रेत में 9%, शब शिव में 11%, महाकाल भैरव में 12%, सियाल को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। जंगल में रहता है जो चिल्लाता है रात को, तो उसको बंगला में सियाल बोलते हैं, जो माँ काली का बगल में रहता है, जिसको खून पीता है। तो सबसे ज्यादा परसेंट है 64% सियाल को बोला है। जो सही आंसर है वो 11% लोगों ने दिया है, उसका नाम है सबसी। माँ कालिका का जो नीचे जो लेटा है उसको स्वरूप महादेव बोले जाते हैं, कि मृत शिव, शव यानी कि मृतरूपी शिव, स्वरूप शिव है इसका सही आंसर। तो ये दो प्रश्नों के आंसर, ये दो पोल का आंसर मैं आप लोगों को दे दिया। आगे भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग पोल डालता रहूंगा। आप लोग जाइए और मेरे पोल पर हिस्सा लीजिए, आप लोगों को भी कुछ जानने के लिए मिलेगा आप लोगों को, और मजा भी आएगा पोल में हिस्सा लेकर। तो ये जो अनुष्ठान, आज का अनुष्ठान मूल पर्व में मैं जाता हूं। मूल अनुष्ठान आप लोगों को किसी भी शुभ तिथि से आप लोग शुरू कर सकते हैं। शुभ तिथि के बारे में बहुत बार उल्लेख कर चुका हूं मैं, और शुभ तिथि के बारे में मैं नहीं जाता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मंत्र है
उस मंत्र का शुभ तिथि से जाप शुरू करें। आप लोगों का इच्छा है तो पहले 108 बार मंत्र का जाप कर ले। उस समय जब 108 बार अगर आप लोग जाप करते हैं तो किसी भी व्यक्ति का नाम उसमें उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मंत्रों के 108 बार पाठ करें। विधिवत भगवान से प्रार्थना करके गणेश जी के मंदिर में पूजा अर्चना देकर ही कोई भी शुभ कर्म करते हैं। सनातन हिंदू धर्म में तो पहले गणेश जी का पूजा अर्चना किया जाता है, इसलिए गणेश जी का पूजा अर्चना करने के बाद ही आप कोई भी शुभ कर्म, कोई भी शुभ अनुष्ठान में आप लोग आगे बढ़िए। तो पूजा पाठ अनुष्ठान देकर ही इस मंत्र का अनुष्ठान करें। आप लोगों के पास अगर समय है तो पूजा पाठ करने समय ही इस मंत्र का आप लोग जाप अनुष्ठान कर ले। 28 बार पाठ है, साधारण मंत्र है, थोड़ा सावर मंत्र है, थोड़ा सा जैसा मंत्र है वैसे ही पाठ कीजिए। मेरे पास जैसा मंत्र है मैं आप लोगों को सेम टू सेम वैसे ही मंत्र दे रहा हूं, मंत्र में कुछ परिवर्तन करने का कोई जरूरत नहीं है। परिवर्तन करेंगे तो मंत्र का कुछ फल भी नहीं मिलेगा, इसलिए जैसा मंत्र है वैसे के वैसे ही पाठ कीजिए। उस मंत्र का 28 बार पाठ करने के बाद आप लोगों का दिन हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं दिन में कोई भी परिस्थिति में इस मंत्र का आप लोग जितना बार चाहे पाठ कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। मैं 28 बार बोला हूं तो 28 बार ही पाठ करना है। आप लोग चाहिए तो 100 बार पाठ कर सकते, चलते फिरते सोते जागते कभी भी इस मंत्र का आप लोग पाठ कर सकते, इसमें कोई भी नहीं। ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा कम समय में अगर आप लोग इस मंत्र का प्रभाव देखना चाहते हैं तो इस मंत्र को आप लोग को लगातार कंटिन्यूअसली इस मंत्र का अनुष्ठान, कंटिन्यूअसली इस मंत्र का जाप करते रहिए। जाप करने से आपको किसी भी चीज का कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपको सुफल मिलेगा। आपको साधक व्यक्ति के साथ जो भी लड़ाई झगड़ा हो गया है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, ये मंत्र का अनुष्ठान सास बहु, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त दोस्त के साथ दोस्त का लड़ाई हो गया है, कारोबार क्षेत्र में कोई भी अनबन चल रहा है, बॉस के साथ किसी भी कॉलिग के साथ कोई भी समस्या चल रहा है, तब भी इस मंत्र का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच में ही मंत्र होगा, हर जगह में इस मंत्र को काम आएगा। वीडियो से शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कौन कौन क्षेत्र में इस मंत्र को अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से हर समय रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग में कोई में ये समस्या नहीं है तो ये प्रयोग आप लोग अपने फ्रेंड को भी बता सकते हैं, ऐसा कोई समस्या चल रहा है। मेरे चैनल में जो भी प्रयोग मैं आप लोगों के लिए डालता हूं संपूर्ण प्रयोग निशुल्क है। प्रयोग करने के लिए आप लोगों को ज्यादा से 10 20 50 रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन किसी को भी पैसा देने का जरूरत नहीं है। किसी से अगर आप लोग काम करवाते हैं तो उसको जरूर पैसा देना पड़ेगा, यह ध्यान में रखते हुए प्रयोग को करें। इस प्रयोग को करने समय कोई भी विधि नियम का पालन करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ ये प्रयोग एक हफ्ता हो जाने के बाद आप लोग को एक छोटा सा काम करना है, उस काम को अगर आप लोग करते हैं तो ये प्रयोग और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ये प्रयोग में आप लोग को रिजल्ट और भी जल्दी मिलने लग जाएगा। हफ्ते में एक दिन शनि हो या मंगल कोई भी बार को निर्धारित कर ले, जिस दिन पहले हफ्ते में जिस बार को निर्धारित किया है नेक्स्ट हफ्ते में उसी बार को आपको निर्धारित करते हुए इस अनुष्ठान को करना है। लगातार इस मंत्र का 31 डेज तक आप लोगों को जाप करना है। मेरा विश्वास है उससे पहले पहले आप लोगों को इसका मंत्र का प्रभाव और आपका इच्छा पूर्ण होते हुए दिख जाएगा, लेकिन 31 डेज से पहले इस मंत्र का अनुष्ठान को मत छोड़िए। सावर मंत्र है, जल्दी रिजल्ट आप लोगों को दिख जाएगा, लेकिन मंत्र अनुष्ठान 31 डेज तक ही करें। और हफ्ते में एक बार मंगल या शनिवार को हो 250 ग्राम कच्चा जो दूध होता है, गाय का दूध अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, गाय का दूध नहीं है तो कोई भी जो पैकेट वाला दूध है उस दूध को लेके आइए, गाय का दूध या कोई भी पैकेट वाला दूध लेके आइए और उसको अपने सिर के ऊपर से डाल लीजिए। मैंने दूध से नहाइए, नॉर्मल साबुन से नहाने के बाद दूध से नहा लीजिए, वही 250 ग्राम दूध से नहा लीजिए। ये हफ्ते में एक ही बार आप लोगों को करना है, मंगलवार को कीजिए या शनिवार को कीजिए। इसको करने से ये मंत्र का जो शक्ति है, इस मंत्र का जो प्रभाव है और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, मंत्र और भी ज्यादा एक्टिव होकर आप लोगों के लिए सहायता करेगा। जरूर इस प्रयोग को एक बार आजमा के देखिए, विश्वास है आपका इच्छित व्यक्ति के साथ संपर्क पहले जैसा जुड़ जाएगा, आपका मनोकामना भी पूर्ण होगा। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं फिर मिलता आपसे एक नए वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। हरिओम तत्सत।